अंबाले की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोर लगाना। सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ मैं। सबसे पहला सवाल है सर, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज के इस दिन को लेकर और अपनी जीत की सुनिश्चितता को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए तमाम कांग्रेस दावा भी कर रही है, कंपटीशन है, तो सब चीजों पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती। और यहाँ की जो रीबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाले शहर से लड़ रहा, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी, उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वैश्यवृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाले की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोर लगाना। सर मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर क्या कहेंगे, किस पार्टी का आप से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है, कुमारी शैलजा को लेकर? देखिए सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी, और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का, खुद की तरफ से मुख्यमंत्री होने का दावा पेश करेंगे? देखिए मैंने कहा अगर पार्टी चाहेगी, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ मैं। कुमारी शैलजा को लेकर सर एक रिप्लाई दे दीजिए। कुमारी शैलजा कांग्रेस में बहुत घुटन महसूस कर रही है, उसकी वहां पर सम्मान नहीं हो रहा जितनी वो सीनियर है, ना तो उसके उम्मीदवारों को टिकट दी गई, अगर टिकट दी गई तो उनके खिलाफ जबरदस्त रीबल हर जगह पे लाकर खड़े कर दिए गए, तो अब उसका क्या होगा ये तो समय बताएगा।